अच्छा यार, तुम्हारे ना मैंने सामान का बोल दिया था, तो तुम्हें कल तक मिल जाएगा। और सुनाओ यार, कहाँ होते हो आजकल? वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, इतने दिनों हो गए। खैरियत? यार बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस कह लो कि इस हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। तो यार कह लो कि ऑलमोस्ट 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जिसमें से काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ लॉयल हैं। लॉयल मतलब वो मुझे प्राइवेट मैसेजेस करते थे, इवन के हर वीडियो पे उनके कमेंट आता था और कमेंट्स देख के अच्छा लगता था। और ये उन्हीं लोगों के मैसेजेस हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है, हम वेट कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो बनाए और अपलोड किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। कह लो कि 1 अप्रैल को लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, और फाइनली आज वो डेट है जब मैं काफ़ी अरसे बाद अपनी वीडियो वापस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आखिर कहानी क्या थी। खैर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने नया लैपटॉप लिया, डेल G3। पर एक सीक्वेंस में बताता हूं ना कि वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रहा था, लैपटॉप लेने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब सारा कुछ डिटेल्स में बताता हूं। इन शॉर्ट कहानी शुरू करते हैं। तो यार बात कुछ यूँ है कि ये जो मेरा सेमेस्टर था 4th, ये वन ऑफ द टफेस्ट सेमेस्टर था मेरे लिए। क्योंकि हर वक्त या फिर क्विजेज मिलते रहते थे, या असाइनमेंट्स की डेडलाइंस थी, या हर वक्त कभी ना कभी एग्जाम्स होते ही रहते थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4th सेमेस्टर क्लियर कर लिया है। अभी फिर 3-4 दिन बाद यूनिवर्सिटीज खुलने लगी है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं अब जाके फ्री हूँ। और इस सब के दरमियान ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं बनाना नहीं चाहता था, मतलब आई वॉन्टेड टू, पर यही होता रहता था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। खैर सेकंड रीजन था मेरा लैपटॉप, जो कि 2nd जनरेशन था, और उसके ऊपर मैंने ऐसी ऐसी चीज कर दी थी जो कि वो डिजर्व नहीं करता था, इंतहा का जुल्म किया था। पर अब कुछ चीज़ें थी जो कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम फिल्मोरा टू डाविंची रिजॉल्व, और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, पर मैंने उसके ऊपर इंतहा का काम किया और उसने मेरा बड़ा साथ दिया। पर एंड पे वो मुझे वार्निंग्स देने लग गया था कि भाई देख तूने ना ये लिमिट होती है ये क्रॉस कर चुका है, पर फिर भी मैं काम करता रहा। पर उसने एक दिन कहा कि भाई यहाँ तक था जो था, इससे ज़्यादा नहीं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट कॉइन फाउंड नॉट फाउंड कह के चला गया। एंड आई डिसाइडेड कि जो होना था वो हो गया, अब आई शुड मूव ऑन और मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो उसके बाद सर्च की जिद्दोजहद स्टार्ट हुई कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप सही रहेगा। अपने दोस्तों से पूछा कि यार कोई लैपटॉप सजेस्ट करो। फिर मैं फैसलाबाद की मार्केट में देखा अपने लैपटॉप पर, वो 3 लैपटॉप्स नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। तो आई डिसाइडेड कि भाई लाहौर जाना पड़ेगा। तो 1-2 दिन तक मैं फिर लाहौर निकला हमजा भाई के साथ, और हम निकले लैपटॉप लेने। फिर हम लोगों ने एसूस टफ बुक निकाल दिए क्योंकि वो एक तो मिल नहीं रहा था, और हम लोगों ने 2 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की, एक डेल G3, दूसरा मैक मिनी। हम इस टाइम बैठ के रिव्यूज़ देख रहे हैं कि क्या हमें G3 लेना चाहिए या मैक मिनी ही लेना चाहिए। फिर हमदा भाई ने कहा क्या ये ठीक है, तो मैंने फिर कहा कि भाई डेल G3 डन करो। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लैपटॉप ले लिया डेल G3, और अब मैं दिखाता हूँ अपना नया लैपटॉप।